हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सीपीपी नेट। अगर आपके नंबर 35 से लेकर 45 तक हैं तो आपको कौन सा डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाता है। वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट को डिग्री कोर्सेज के बारे में जान लेना है कि कौन कौन से डिग्री कोर्सेज उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सीपीपी नेट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सबसे नंबर पहले पे आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी, इसमें की सीटों की संख्या 60 होती है। उसके बाद नंबर आता है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री यानी बी ऑप्टोमेट्री, यहाँ पर सीटों की संख्या भी 60 है। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी बीएमएलटी, इसकी भी सीटें 60 हैं यहाँ पर। और बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स यानी बीआरआईटी, जिसकी भी सीटें यहाँ पर 60 रखी गई हैं। इसके बाद आता है एक दो साल पहले से ही ये स्टार्ट हुआ है कोर्स, जिसका नाम है बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा की सीटें भी यहाँ पर 60 रखी गई हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स कहते हैं बीएससी नर्सिंग, यहाँ भी इसकी सीटें 60 रखी गई हैं। तो यानी अगर डिग्री कोर्सेज का देखें तो डिग्री कोर्सेज में आपको मिल जाते हैं 6 कोर्सेस, जिनमें कि सीटों की संख्या हर एक कोर्सेस में 60-60 है, यानी 360 सीटें डिग्री कोर्सेज की उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सीपीपी नेट के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके 35 से 45 के बीच में नंबर हैं तो आप कौन सा डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानने वाली बात है कि अगर आपके नंबर 35 से लेकर 45 तक हैं या 35 से लेकर 45 के बीच में हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्सेज जो भी चाहिए है, डिप्लोमा कोर्सेज जितने भी हैं हम आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनमें कितनी कितनी सीटें हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है और जहां पर आप कमेंट करते हैं कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक प्रोवाइड किया गया, आसानी से आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज में कौन कौन से अच्छे अच्छे डिप्लोमा हैं और उनमें कितनी कितनी सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सीपीपी नेट के अंतर्गत यहाँ पर रखी गई हैं। तो अगर आपके 35 से लेकर 45 तक के नंबर हैं तो आपको मनपसंद डिप्लोमा कोर्सेज आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी हम आपको थोड़ा रोकेंगे क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज में ही जीएनएम का कोर्स आता है और एएनएम का भी कोर्स आता है। तो जीएनएम को इस कैटेगरी से बिल्कुल बाहर रख दीजिएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सीपीपी नेट का इतिहास ही ऐसा है कि जब भी स्टूडेंट को प्रेफरेंसेस में आता है तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग लेता है स्टूडेंट, और उसके बाद में अगर उसे बीएससी नर्सिंग नहीं मिलता है तो वो तुरंत जीएनएम ले लेता है। तो यहाँ पर कन्फर्म रहे, यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया है कि 35 से 45 तक अगर आपके नंबर हैं तो आपको मनपसंद डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएगा, लेकिन छोड़कर जीएनएम को छोड़कर, और उसमें भी एएनएम को भी कुछ हद तक छोड़ दिया जाता है। शेष जो भी डिप्लोमा कोर्सेस हैं, पूरी लिस्ट हमने पूरा वीडियो बना के रखा है कि आखिर में कौन कौन से कोर्सेस हैं और में कितनी कितनी सीटें हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद जब ये इन दो डिप्लोमा को छोड़कर सारे डिप्लोमा कोर्सेस आपको मिल जाते हैं, अब बात करते हैं कौन कौन से डिग्री कोर्सेज भी आपको आसानी से इस कैटेगरी में मिल जाते हैं। तो डिग्री कोर्सेज के लिए आपके नंबर आसानी से 40 से प्लस होने ही चाहिए और उसके बाद में आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या नहीं मिलता है। तो आपको बीएससी नर्सिंग नहीं मिलता है, बीएससी नर्सिंग बिल्कुल अगर कोई भी कैटेगरी हो आपकी, लेकिन अगर 40 से प्लस भी आपको एससी एसटी कैटेगरी में भी बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड होता। एसटी कैटेगरी में कभी कभी मिल जाता है, 43-44 नंबर वालों को वैसे नहीं यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं। उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्सेस नहीं मिलता है, बीएमएलटी का नहीं मिलता है, बीआरआईटी का नहीं मिलता है, कभी कभी स्टूडेंट को क्या मिल जाता है, ऑप्टोमेट्री का कोर्स मिल जाता है, वो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप स्टूडेंट जानते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनके लिए बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी ओवरऑल रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक और आपके जो आरक्षण को आधार होता है यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और आपकी जो कैटेगरी आरक्षण होता है उसके आधार पर 10% AWS और उसके बाद में 27% OBC, इसके आधार पर आपको कोर्सेज अलाउ किए जाते हैं।
40 से प्लस नंबर होने पर यहाँ पर आपको बीपीटी का कोर्स कभी कभी मिल जाता है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का, जब स्टूडेंट सीटें भर जाती हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता है तो आपको बीपीटी की एक दो सीट बाकी रह जाती है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की सीटें बाकी रह जाती हैं। और यहाँ पर खासकर लेडीजों के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पर A&M का कोर्स होता है जो कि केवल महिलाओं के लिए होता है, वहाँ भी आप आसानी से कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम जो शब्द यूज कर रहे हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आरक्षण के आधार पर आप 40 से प्लस नंबर होने पर आसानी से A&M का कोर्स, जो कि डिप्लोमा के अंतर्गत आता है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर आसानी से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कि अगर आपके नंबर 35 से प्लस है और 45 तक है, यानी 35 से लेकर 45 तक वाले स्टूडेंट को क्या क्या मिल जाएगा। डिप्लोमा कोर्सेज में G&M का डिप्लोमा आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में सारे डिप्लोमा मिल जाते हैं। 40 से प्लस होने पर आपको A&M का भी, गर्ल्स के लिए A&M का डिप्लोमा मिल जाता है और उसके बाद में सारे डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाते हैं। और इसके बाद में आपको कुछ डिग्री कोर्सेज भी यहाँ पर अलाउड हो जाता है, वो भी आपकी कैटेगरी और आरक्षण के आधार पर, जिसका नाम है BPT और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, यहाँ पर कोर्सेज अलाउड हो जाते हैं। लेकिन इनके नंबर का लगभग 2-3 काउंसलिंग के बाद ही लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपको ओवरऑल रैंक के आधार पर वहाँ पर बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर आपने जाना, आसानी से आप डिप्लोमा कोर्सेज तो मनपसंद पा ही सकते हैं और डिग्री कोर्सेज में भी आपका चांसेस क्रिएट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने आपके कितने नंबर हैं और आप कौन सा कोर्स चाहते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।